नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौकी से 100 मीटर दूरी पर स्थित संतोष कुमार की फर्नीचर की दुकान पर देर रात आग लग गई। ऐसा दुकान मालिक का आरोप है कि मेरी दुकान में आग लगी नहीं, लगाई गई है। ना तो दुकान में बिजली का कनेक्शन था और ना ही किसी तरह का दिया जलाया गया था। अंतिम संस्कार कर लोग लौट रहे थे तो देखा कि दुकान से धुआं निकल रहा है। जैसे लोगों ने दुकान के करीब पहुंचा तो देखा कि यह संतोष कुमार की दुकान है। अंदर रखे बेड, चौकी, प्लाई आदि रखा सारे सामान से 4 लाख, जो करीब 4 लाख कीमत के बताए जा रहे हैं, जलकर खाक हो चुके थे। क्या नाम है? कहाँ घर है आपका? मेरे को क्या मामला है? ये आग कैसे लग गई है? ये आग लगी मुझे लगाई गई है जी। अब किसने लगाई है तो भाई बताने से? हाँ हाँ, आप नहीं थी ये नहीं बता सकते। तकरीबन ये मामला कितने बजे का है? तकरीबन आग लगी है करीब करीब 9 बजे। 9 बजे आग लगी है तो लोगों को पता कब चला है? 11 बजे। कितने का मामला नुकसान, आपका सामान नुकसान हुआ है? करीब करीब 4 लाख के करीब पहुँचा। 4 लाख के करीब पहुँच गया है। आप ये देख सकते हैं इनकी जो जितना भी इन्होंने बनाकर जो रखा था, कितने लोगों का ऑर्डर था, सब जलकर राख हो चुका है। तो प्रशासन आया था? जी आए थे। तो क्या बोले उन्होंने, कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिए कि मतलब पूछे ताछे कि भाई किसका मकान है, किसका नहीं है, क्या है क्या नहीं है जी। तो हम ताला वाला खोले, ताला खोल के शटर भी उठ नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती 3-4 आदमी उठाए, पानी से उठाए, दो मोटर चल रहा था, किधर से चल रहा था, एक इधर प्रधान का चल रहा था मोटर से जी जी। वो लोग से पानी वानी भाई वो लोग मिलवाए, फिर उसके बाद प्रशासन आए, सिर्फ पूछताछ करके चले गए जी। और कोई और भी कुछ आगे आश्वासन नहीं दिए? नहीं, आगे आश्वासन नहीं दिए। ठीक है, धन्यवाद।